गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रोहित कश्यप आपका हिंदी टीचर आज आपके सामने आपकी सेकेंड डिजिटल क्लास लेकर आया हूँ, जो कि क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर चैप्टर होता है सेकेंड, और इस चैप्टर का नाम है लड्डू और मिट्ठू तोता। तो बच्चों, लड्डू क्या है? लड्डू एक छोटा सा 3 साल का बच्चा है, छोटा सा 3 साल का बच्चा है लड्डू, और मिट्टू एक तोता है। आप सभी जानते हो ज्यादातर तोते का नाम मिट्टू ही होता है, तो मिट्टू एक तोते का नाम है। तो इन दोनों की जो इसमें मित्रता हुई है, दोस्ती हुई है, उसके विषय में इस चैप्टर में बताया गया है, तो आज हम पढ़ेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। लड्डू 3 साल का बच्चा था। उसके गोल गोल लड्डू जैसे गाल देखकर उसकी माँ उसे लड्डू कहकर बुलाती थी। घर का आंगन ही उसका सब कुछ था। एक रंग बिरंगा तोता हर दिन उसके आंगन में आता था। वह दाना चुगता और टेंटे करता हुआ उड़ जाता था। लड्डू को वह सुंदर रंग बिरंगा तोता बहुत अच्छा लगता था। वह कई रंगों वाला था और उसकी एक लंबी सी पूंछ भी थी। तोते के पंख भी लाल, हरे, पीले और बड़े सुंदर थे। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, लड्डू एक 3 साल का बच्चा है, ठीक है, और उसके गोल गोल लड्डू जैसे गाल, गोल गोल लड्डू जैसे गाल से मतलब होता है जो बच्चा हष्ट पुष्ट होता है, थोड़ा हेल्दी होता है, उसका चेहरा भी थोड़ा अच्छा होता है। तो जब उसके मोटे मोटे लाल लाल गाल होते हैं तो उसको कह देते गोल गोल लड्डू जैसे गाल। तो इसीलिए उसकी माँ उसे गोल गोल लड्डू बुलाती थी लड्डू, क्योंकि उसका चेहरा बहुत अच्छा था और काफ़ी हेल्दी था, उसके गोल गोल मोटे मोटे गाल थे, इसलिए उसकी माँ उसे लड्डू बुलाती थी, लड्डू की माँ। लड्डू, मैं पहले बता चुका हूँ, एक 3 साल का बच्चा, उसकी बात कर रहे हैं। तो घर का आंगन ही उसका सब कुछ था, उस बच्चे का। आप लोग जानते हो, आपके घर में जो बीच में जगह खाली होती है, जो घर के बीचों बीच की जगह होती है, उसे आंगन कहते हैं। तो वो जो आंगन था घर का बच्चे का, वही सब कुछ था। वो कहीं बाहर नहीं जा सकता था, बाहर नहीं खेलता था, तो आंगन में ही खेलता था, आंगन में ही रहता था। एक रंग बिरंगा तोता हर दिन उसके आंगन में आता था। रंग बिरंगा मतलब कई रंगों वाला, एक कई रंगों वाला तोता उसके आंगन में आता था। वह दाना चुगता और टेंटे करता हुआ उड़ जाता था। तो जो भी उसके आंगन में दाने, जैसे हम लोग डालते ना पक्षियों को दाने वगैरह, तो इस तरीके से वो तोता आता, दाना चुगता और टेंटे करता हुआ उड़ जाता। टेंटे तो आप लोग जानते होंगे ना, तोता जो बोलता है उसकी बोलने को टेंटे कहते हैं ना। तो ऐसे टेंटे करता हुआ वो चला जाता था, यानी तोते की जो बोली होती है टेंटे टेंटे करता हुआ चला जाता था। लड्डू को वह सुंदर रंग बिरंगा तोता बहुत अच्छा लगता था, मतलब जो कई रंगों वाला तोता था वो लड्डू को बहुत अच्छा लगता था। लड्डू कौन? एक 3 साल का बच्चा, उसको वो तोता बहुत अच्छा लगता था। एक्चुअली क्या था, ये कई रंगों वाला था और इसकी एक लंबी सी पूंछ भी थी, इस तोते की एक लंबी सी पूंछ थी, और वह तोते के पंख भी, जो तोता था वहां पर उसके पंख ऐसे थे लाल, हरे, पीले, बड़े सुंदर थे, मतलब रंग बिरंगा तोता था, कई रंगों का था, लाल, इसके कैसे कैसे पंख थे लाल, हरे, पीले, बहुत सुंदर तोता था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जब भी सवेरे तोता आंगन में आता, लड्डू उसे बड़े प्यार से देखता। जब तोता दाना चुगकर उड़ना चाहता तो लड्डू अंगूर के दाने उसके आगे फेंक देता। तोता वह अंगूर खा लेता। दाना चुगने के बाद तोते के लिए अंगूर उसी तरह था जैसे भरपेट खाना खाकर कोई मनपसंद मिठाई परोस दी गई हो। इस प्रकार धीरे धीरे लड्डू की तोते से दोस्ती हो गई। तो क्या होता, जब वो तोता लड्डू के आंगन में आता था डेली, प्रतिदिन डेली सुबह जैसे वो तोता लड्डू के आंगन में आता तो लड्डू उसे बड़े प्यार से देखता। छोटा सा बच्चा था, तोता आता उसे भी तोता बहुत अच्छा लगता था, तो वह बड़े प्यार से उसको देखता था। जब तोता दाना चुगकर उड़ना चाहता तो लड्डू अंगूर के दाने उसके आगे फेंक देता। आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम लोग खाना खाते हैं,
खाना खाने के बाद जो हमें कुछ मीठा मिलता है, कोई भी मिठाई, सबको मिठाई खाने के बाद अच्छी लगती है, कुछ भी मीठा मिल जाए, तो इसी तरीके से क्या होता था, जब वो तोता दाना चुगकर उड़ता था तो लड्डू उसके सामने कुछ अंगूर के दाने फेंक देता था। तो वो जो अंगूर के दाने थे उस तोते के लिए ऐसे थे जैसे हम लोग खाने के बाद मिठाई खाते हैं, इसी तरीके से जब वो तोता अंगूर के दाने खाता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे खाने के बाद उसे मिठाई मिल गई हो, तो उसे अंगूर के दाने दे देता था। फिर क्या हुआ, जब इसी तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और उन दोनों में बहुत अच्छी धीरे